उत्तर आंडामान सागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्रमश घनीभूत होबार लागिछि। तबे या ओडिसा मुहाय बोली पाणीपाक विद माने पूर्वानुमान करचोंति। तबे बात्या आशंका टळी जाइथुवा बेले दशहरा रे पवन रे आशंका मध्य वृद्धि पाइछि। एहार प्रभाव रे आसंता 17-19 मध्ये उपकूल ओडिसा रे प्रबल वर्षा हेबो। राज्यर अन्य किछि स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाक विज्ञानी माने मत दैछन्ति। तबे आंडामान सागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप बळय सही स्थान रे आसंता 13 तारिख पर्यंत रहिबो। 13 रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई 15 रे वालमार्ट रे परिणत हेबो। 17 तारिख सकाळे अवात रे परिणत होई 18 तारिख संध्या पर्यंत उक्त स्थान रे रहिबो। 17-18 तारिख संध्या मध्ये रे उपकूल अतिक्रम करियो बोली पाणीपाक विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्यनाथ पशुपाळक आकलन करछन्ति। तबे आसंता 2 दिन मध्ये रे गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिमबंग किछि किछि अंशरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्याहार पर अवस्था अनुकूल हो पड़ी। प्रथम साइक्लोन प्रभाव उत्तर आंडामान सागर और यार आखपाख अंचल सक्रिय रही। प्रभाव में परवर्त 24 घंटा मध्य समान अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। आईएमडी कही अधिक घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्क गति कर ओडिशा उत्तर आंध्रप्रदेश उपकूल आड़क गति कर। प्रभाव में विभिन्न स्थान में वज्रपात सहित अधिकांश स्थान में हालुकु मध्यम वृष्टिपात सहित पवन बेग 40-50 किलोमीटर मध्य रहिबो। एवं आसंता 5 दिन मध्य आंडामान निकोबर द्वीपपुंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेज दर्शक बंधु यह लाटेस्ट पाणीपागर अपडेट नुआ अपडेट देखा चाहते सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबाई रखेंगे नुआ नुआ अपडेट प्रथम यही चैनल में पाइपे।